ये देखिए व्यूअर्स, ये पट देख लीजिए मक्का चीनी नस्ल में, देखिए ज़रा। और उसके साथ एक और एक दुम्बा भी है इनके पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस पट को देख लीजिए, ये देखिए पहले पट मैं इसको सही से दिखा दूँ, देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, जाओ 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 जाओ, कोई मसला नहीं है। ये देखिए व्यूअर्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये दुम्बा आप दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए इनके पास ये दुम्बा है। और ठीक है ठीक है, आप खड़े रहो ऐसे ही, ये देखिए व्यूअर्स दुम्बा देख लीजिए। कितने का? 6 महीने का बच्चा गुलाबी। अच्छा माशाल्लाह, 6 महीने का ये है लड़का ना? जी गुलाबियों में। अच्छा गुलाबी लड़का ना कह लो, ठीक है 6 महीने का बच्चा। भाई ज़रा ये ज़रा करीब से हट जाएंगे आप थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, नर है देख लीजिए माशाल्लाह, 6 महीने का। हाइट देख लें इसकी आप, और ये पट आप देख लीजिए, ये मक्का चीनी नस्ल में। कितने महीने की है भाई ये? 4.5 महीने। 4.5, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी हाइट में है भाई ये भी, ठीक है ठीक है भाई। अच्छा ये बताइए आप इस दुम्बे के मांग क्या रहे हैं भाई? मांग भाई से 35,000 रुपये। 35,000? अच्छा कोई कमी बेशी हो जाएगी? हो जाएगी, 28,000 हो जाएगा। 28,000 का हो जाएगा, ठीक है ठीक है। 28,000 का व्यूअर से ही कह रहे हैं कि हो जाएगा, और ये 35,000 इसके मांग रहे हैं। और 6 महीने का ये बच्चा है, यानी कि इस 2021 की कुर्बानी के लिए बेहतरीन है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देख अच्छा इस बच्ची की क्या मांग रहे हैं आप? 26 मांग रहे हैं, और इसी में भी कमी बेशी हो जाएगी कुछ ना कुछ? 21,000 की हार ना हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा 21,000 में फ़ाइनल इंशाल्लाह कर देंगे व्यूअर्स, देख लीजिए। अच्छा आपका नाम क्या है भाई? शाबान अहमद। शाबान, शाबान अहमद इनका व्यूअर्स नाम है आपका। कोई नंबर है जो आप बताना चाहेंगे? 0310-220-220-15-15-11-11 नाम है। दो नंबर है। अच्छा बताइए दूसरा बताइए। 0312-0312-1019-1170 नाम है इनका शाबान। आपने इनके रहते कहाँ हैं आप? औरंगी टाउन कतर हॉस्पिटल के पास, औरंगी टाउन में ये रहते हैं। ये इनके जानवर हैं व्यूवर्स, आपने नंबर इनके सुन लिए होंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप शाबान साहब से बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आपके पास घर पे हैं? घर पे भी हैं। और घर पे हो? घर पे कौन कौन सी नस्ल है जरा बता दीजिए। घर पे पंजाब की बकरी है, गब्बर है तैयार। सही है। और इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा एक भेड़ा और है। अच्छा वो भी बेचने के लिए है? वो भी बेचने के लिए। अच्छा ठीक है व्यूअर्स, इनके पास घर पे भी हैं, पंजाब नस्ल की भी एक बकरी है, उसके अलावा गब्बन है, और इसके अलावा एक भेड़ा भी है। अगर आपको दूसरे अभी और जानवर चाहिए हों और देखना चाहते हों तो आप शाबान साहब से मिल भी सकते हैं उनकी लोकेशन पर जाके। गुलाबी बकरी भी, दो बच्चों का 60,000 रुपये। अच्छा गुलाबी बकरी भी है 60,000 रुपये की, दो बच्चों के साथ, चार चार महीने के बच्चे हैं, नर मादा बच्चे। तो व्यूअर्स आपने नंबर सुन लिया होगा शाबान साहब का, अगर आपको इनके जानवर पसंद हो तो आप इनसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। ये व्यूअर्स एक मक्का चीनी नस्ल की बकरी, ये देख लीजिए पहले, और ये बच्चे समेत है, और ये नर बच्चा है। ये देखिए मैं आपको बच्चा भी दिखा दूँ, ये देख लीजिए नर बच्चा है, और झालर वगैरह देख लें इसकी, माशाल्लाह अच्छा है, ठीक है। क्या जी? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम क्या है आपका? गुलाब। इनाम? गुलाब। गुलाब गुलाब। अच्छा गुलाब भाई ये बताइए, ये कितने दांतों में है बकरी आपकी? ये दांतों में रुक रहा, चार दांत। चार दांत हो गई, चार दांत हो गई है। अच्छा ये बताइए कि चार दांत की है, आप इसके मांग क्या रहे हो? हम बता रहे 45,000 है। अच्छा के बाद 45 बच्चे के साथ? नहीं, या अकेला? अकेला। अच्छा अकेले 45,000 की। और ये आखिरी कितने में दे दोगे, कितने तक छोड़ दोगे? बस 38 जैसा छोड़ेंगे। अच्छा 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 ठीक है जी, देख लीजिए व्यूअर्स ये 45,000 इसके मांग रहे हैं। पहले कितनी दफ़ा बच्चे दे चुकी है? ये तो लिया हुआ है ऐसा। ठीक है ठीक है, सही है। अच्छा मैं ये दूसरा इसके बच्चा भी दिखा दूँ, देखिए व्यूअर्स ये इसी का बच्चा है? अच्छा ये किसी और का बच्चा है, ठीक है जी। ये तो नर है ना? नर है ना। चलो इसकी मांग क्या रहे हो आप बताओ ना? 25,000 मांग रहे हो, ठीक है जी। इस बच्चे के ये 25,000 मांग रहे हैं, लेकिन है तो नस्ली, लेकिन 25,000 बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
छोड़ दो, काम तो छोड़ दो। ठीक है, ठीक है जी, देख लीजिए व्यूवर्स। अच्छा ये बताइए आपका कोई नंबर वगैरह है? नंबर बता दो। 311 2311 23 99 99 102 102। नाम क्या आपका? गुलाब। और आप रहते कहाँ? बनारस पे। ठीक है, तो व्यूवर्स आपने नंबर सुन लिया गुलाब साहब का, ये बनारस पे रहते हैं। ये इनके क्या कहते हैं बच्चे हैं, ये बच्चा देख लीजिए अच्छी नस्ल का है, 25,000 बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। खैर ये इनकी चीज़ है, जितने भी मांगना चाहे मांग सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप इनसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। और सौदा बनता है तो बनाइए। ये देखिए व्यूवर्स कुछ मुझे औजार नज़र आ रहे हैं और मैं चलें देख के बना दिखा देता हूँ ये। और ये खुर बनाने के मेरे ख्याल में औजार हैं, और ये साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनसे भी बात भी करता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जिनको क्या कहते हैं सर्विस चाहिए होती है जानवरों के खुर और बाल बनवाने के लिए। तो ये साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनके औजार भी मुझे नज़र आ गए हैं, तो चलें मैं इनसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ और इनसे नंबर वगैरह भी जान लेता हूँ ताकि आप लोग इनसे बराह रास्त रब्ता कर सकें। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर ये औजार आपके हैं? जी बिल्कुल मेरे हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम अली हसन है। अली हसन, अली हसन भाई ये बताइए आप किन किन जानवरों के क्या होता है बाल और खुर बनाते हैं? भाई यार मैं बकरों के खुर बनाता हूँ, सिंग बनाता हूँ, बाल काटता हूँ। ठीक है, डिजाइनदार भी दुम्बो के बाल काटता हूँ। अच्छा, मैं ना उसके अलावा मैं चारपाई पलंग वगैरह भी बुनता हूँ। अच्छा, तो व्यूवर्स हाँ आपने सुन लिया होगा ये बकरों के खुर बनाना, बाल बनाना और डिज़ाइनदार बाल भी बनाते हैं ये, और उसके अलावा ये चारपाई और पलंग भी बुनना जानते हैं। और बताइए अपने बारे में। जी सर यही काम मेरा रेगुलर यही काम है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि अगर आप सिर्फ मंडी में होते हैं या अपने घर पे बुला के करवाते हैं? एक मिनट मेरा आवाज़ कम हो जाए। जी बताइए। होम डिलीवरी सर्विस के लिए हमारे पास। अच्छा, अगर यानी कि कोई आपको कॉल करे कि इधर आ जाओ इस लोकेशन पे, जी मेरे पास है, मैं जानवर के बाल काट दो लाके या खुर बना दो, आप चले जाएंगे? जी बिल्कुल, वो लोकेशन बता देंगे, इस जगह पे आना है, बिल्कुल हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है व्यूवर्स सुन लीजिए, ये अगर आप क्या होता है अपने होम सर्विस भी चाहते हो तो ये अली हसन साहब वहाँ पे भी आ सकते हैं और आपको ये घर में सर्विस दे सकते हैं। नंबर होगा कोई आपका तो नंबर बता दीजिए। बिल्कुल नंबर है। नंबर बताइए। नंबर है 033 033 02 02 35 35 77 77 52 52। उसके अलावा दूसरा नंबर भी है जोन का। अच्छा वो भी बता दीजिए। 03 16 03 16 24 24 28 28 209 209। ना और वैसे आप रहते कहाँ पे? मैं रहता हूँ बलोच कॉलोनी बलोच कॉलोनी, ये औरंगी टाउन में। औरंगी टाउन। अच्छा जी व्यूवर्स ये औरंगी टाउन में ही रहते हैं, ये बलोच काटना बेटा ज़रा। क्वालिफिकेशन बनता हूँ मैट्रिक पास किया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देख लीजिए ये इनके औजार हैं, अगर आपको अपने जानवरों के खुर और बाल कटवाने हों तो आप अली हसन साहब का आपने नंबर सुन लिया होगा, आप इनको बुला सकते हैं, अपने आपके ये घर पे आके भी सर्विस देंगे। और ये भाई ज़रा थोड़ा सा हट जाओगे मेरे यहाँ पे ना घुसो ना, ठीक है? आपको ये पलंग भी बुनना जानते हैं और आपको ये आपके घर पे भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सही, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत मेहरबानी। देखिए व्यूवर्स एक ये बकरी बड़े खूबसूरत कलर में बड़े अच्छे प्रिंट में है, देख रहे हैं, पहले मैं आपको इसको दिखा दूं। ये मेरे ख्याल में टापरा वापरा इस तरीके की है कोई। अच्छा जी देख लीजिए, पहले आपको मैं इसका चड्डा भी दिखाता हूँ, चड्डा मैं दिखाऊं आपको इसका, ये देख लीजिए चड्डा भी देख लीजिए। ठीक, चलें चल के बात कर लेते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? तारिक। तारिक साहब ये बताइए ये जो आप बकरी लाए हैं ये दांतों में कितनी है? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं यार, देख लिया चार दांत की व्यूवर्स देख लिया। अच्छा ये बताइए कि ये बच्चे हैं इसके या अभी बच्चे हैं? वो नहीं बेच रहे आप? ठीक है, अच्छा बच्चों समेत है, ये दो बच्चे हैं इसके, ये
टापरा नस्ल में ही है ये, देख लीजिए इसका सीना भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिए व्यूअर्स। और अच्छा ये बताइए आप मांग क्या रहे हैं इसके? 25 मांग रहे हैं। और आखिरी कितने तक में दे देंगे? वो तो आखिरी दे देंगे जो भी होगा बाद में। अच्छा ठीक, अभी तो हमारा यही है। अच्छा अच्छा सही। अच्छा कोई नंबर होगा जो तारिक साहब जो अगर आप बताना चाहेंगे? नंबर जी 0308 27 90 9087 87। नाम है तारिक। हाँ। और आप रहते कहाँ पे? जी गुलशन गाजी। गुलशन गाजी, अच्छा ये कोई जगह है व्यूअर्स, गुलशन गाजी ये वहाँ रहते हैं। ये इनकी बकरी है, ये इसके 25,000 मांग रहे हैं। और अच्छा दूध वगैरह दे रही है ये? अच्छा दूध दे रही है। कितना दे देती है तकरीबन? तकरीबन पहले तो 1.5 किलो देता था, अब 1 किलो दे रहे हैं। अच्छा अब 1 किलो तक दे देता है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। देखिए व्यूअर्स ये दोनों नारे हैं यार, ये दोनों नर हैं। एक मादा। अच्छा नर मादा, ये वाला मादा है, ये बच्चा है। ये मादा है और ये वाला नर है व्यूअर्स, ये देख लीजिए सीधे हाथ पे है वो मादा है, ये नर, इसके उल्टे हाथ वाला नर है, ये देख लीजिए। पहले मैं जगह ज़रा थोड़ा सा कम हो रही है इस वक्त यहाँ पे, तो मैं फिर भी आपको क्या होता पूरी कवरेज करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट ये देख लीजिए अब ज़रा सही से, ये देख लीजिए ये मादा है, अच्छे कलर में है माशाल्लाह, देख लीजिए ठीक है। और मैं नर भी दिखा देता हूँ, नर ये रहा, ये भी अच्छे माशाल्लाह अशलम। अच्छा ये नर है भाई, ये नर, हाँ हाँ वो मादा है, वो मादा है ठीक। ये सामरोटी है ये, अगर नस्ल में अगर देखा जाए तो देखिए सामरोटी। चलें इनसे ज़रा बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम क्या है? रिहान है जी। रिहान, रिहान, रिहान भाई ये बताओ ये नस्ल कौन सी है? नस्ल तो आपको कोई पता है? सामरोटी, सामरोटी नस्ल है ठीक है। अच्छा ये बताओ ये हैं कितने कितने महीने के? छः महीने का। अच्छा पाँच छः महीने के हैं ठीक है। अच्छा ये बता दो भाई मांग क्या रहे हो इनके? मांग क्या रहे हो? इन दोनों को 35,000। कोई कमी बेशी हो जाएगी? दोनों के 30 हो जाएंगे ठीक है। आपका कोई नंबर है, नंबर होगा जो आप बताना चाहोगे? नंबर तो फिलहाल नहीं है। नंबर नहीं है आपके पास? चलो कोई मसला नहीं है। अच्छा आप रहते कहाँ पे हो? 12 नंबर औरंगी टाउन। हाँ जी औरंगी टाउन 12 नंबर में रहते हैं व्यूवर्स। नाम आपने फिर से बता दिए जी? नाम फिर से बता दिए? रिहान नाम है इनका, ये औरंगी टाउन 12 नंबर में रहते हैं, ये इनके जानवर हैं। इस वक्त ये औरंगी टाउन की मंडी में खड़े हैं, अगर आपको इनके ये जानवर पसंद हो तो आप यहाँ औरंगी टाउन की मंडी में आ सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी तसल्ली करके अगर सौदा बनता है तो बनाइए। बेटा यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। देख लीजिए व्यूअर्स ये आप ये देखिए, पहले दो ये बकरियाँ, ये व्यूअर्स ये बताइएगा कि ये किस नस्ल की हैं ये बकरियाँ, क्योंकि मुझे इनकी नस्ल समझ में नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में ये जो सामने खड़ी है ये जो है पटेरा है शायद, पटेरी सॉरी टापरा, टाप शायद टापरा है, मुझे नहीं इतना इल्म नहीं समझ में नहीं आ रहा है ठीक है। मैं चलिए कि बात कर लेता हूँ, दूसरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरी भी ये देख लीजिए, दूसरी बकरी ये है इनके पास। हाँ हाँ वो देख रहे हैं, शक्ल वकल सब ले लेंगे यार। ये देख लीजिए ये है बकरी, अच्छे कलर में है, अजरक प्रिंट ठीक है भाई, ये देख लीजिए। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, ये देख लीजिए व्यूअर्स ये देख लीजिए। अच्छा अच्छा नहीं तो यार रानी और महारानी रखते हैं तुम, राजा रानी क्या रख लिया? सही। अच्छा ये बताओ ये नस्ल कौन सी है भाई? पग नस्ल है जी, पग नस्ल। अच्छा सही है भाई ठीक है। अच्छा ये बता दो, अच्छा ये बताइए कि ये दांतों में कितनी है? दांतों में ये छः है। अच्छा चार है, पहले बच्चे ये वाली दे चुकी है? अच्छा एक एक दफ़ा बच्चे दिए हैं, एक एक दफ़ा वो झोल दे चुकी हैं व्यूअर्स देख लीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप इनके मांग क्या रहे हो? ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। फिर कितने? 70,000 दोनों के? दोनों के 70,000, 35-35 की एक। अच्छा सही बात है, वाह बड़ा अच्छी तब्दीली आ गई यार ये तो, ठीक है 70,000 व्यूअर्स ये मांग रहे हैं।
अच्छा कोई नंबर होगा आपका अगर आप देना चाहेंगे? ये मालिक का भी ले लो, नंबर बताओ। 0315 2583 177। नाम आपका क्या है? इस्माइल नाम है व्यूवर्स। और रहते कहाँ आप? औरंगी टाउन 13 नंबर में रहते हैं। इस्माइल इनका नाम है। ये इनकी बकरियाँ हैं, आपने देखनी। अगर आपको पसंद हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने में, तो आप इस्माइल से बराह रास्त रابطہ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत मेहरबानी। नहीं नहीं ऐसे नहीं ले सकते। ये देखिए व्यूवर्स, ये एक मादा है, मैं आपको दिखा दूँ इनके पास एक मादा। ये देख लीजिए मादा है ये। अगर आपको क्या कहते हैं मादा चाहिए हो, तो ये आपको यहाँ पे औरंगी टाउन की मंडी में ये खड़े हैं, देख लीजिए। अच्छी इनके सेहतमंद है ये मादा। ये लड़काना नस्ल लग रही है मुझे, देख। ठीक है भाई, मजाक करते हैं। अभी इसका सौदा हो रहा है, मालिक कह रहे हैं कि ये 16,000 में देंगे और जो ख़रीदने वाला है वो इनको 15,000 निकाल के दे रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि तकरीबन सौदा डन है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम भाई? मोहम्मद रईस। रईस साहब ये बताइए, ये मादा जो आप लेके आए हो कि हाँ कितने महीनों का है भाई? कितने महीनों का? एक साल का। माशाल्लाह, और पहले बच्चे वगैरह दे चुकी है? नहीं बच्चे नहीं दिया, पहली मतलब यानी कि देगी बच्चे अगर देगी। अभी गबन है या खाली है भाई? खाली। अच्छा, लगी हुई है। ठीक है, सही है जी। अच्छा, आपका कोई नंबर वगैरह होगा आप जो देना चाहेंगे? चलो ठीक है, हो गया सौदा हो गया व्यूवर्स इनका। अब तो नंबर लेना भी बेकार है। कितने में दिए इसे? पता नहीं, 15 का दे दिया। 15 में दे दिया, ठीक है, 15 या 16 में इन्होंने दे दिया। ये देख लीजिए व्यूवर्स, ये देखिए व्यूवर्स, ये एक बकरी देख लें पहले। टापरा, ठीक है। ये देख लीजिए, पहले देख लें आप इसको। ठीक है, मैं आपको इसका चड्डा भी दिखा देता हूँ भाई जी। ये जानवर काम है? हाँ हाँ, देख लेते हैं अभी, देख। हाँ ठीक, सही। ये देख लीजिए व्यूवर्स, ठीक है, चले हम इनसे चल के बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम क्या है? हाँ जी, ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र इकबाल साहब, ये बताइए आप इसके कितने दांतों में है? चार दांत। चार दांत। पहले बच्चे वगैरह दे चुकी है? बच्चे दे चुकी है पहले। अच्छा अच्छा, इसकी मांग क्या रहे हैं आप? 25,000 ये मांग रहे हैं, ठीक है। और कोई कमी बेशी हो जाएगी? ठीक है, आपका कोई नंबर वगैरह होगा जो आप देना चाहेंगे? नंबर नहीं है। अच्छा ठीक है, रहते कहाँ पे आप? कतर मोड़ पे रहते हैं व्यूअर्स, देख लीजिए। ये ज़फ़र इकबाल इनका नाम है, ये इनकी बकरी है। 25,000 ये मांग रहे हैं, कतर मोड़ पे रहते हैं, और इस वक्त यहाँ औरंगी टाउन की मंडी में खड़े हैं ये व्यूअर्स। ये एक बकरा, कान नहीं पकड़ना बेटा, कान नहीं पकड़ना। देखें इसकी कानों की लेंथ वगैरह भी देख लीजिए, देख लीजिए। पहले मैं आपको दिखा दूँ बकरे का कलर वगैरह भी दिखा दूँ। ये देखिए कलर आप देख लीजिए, मेरे ख्याल में ये कामोरी नस्ल है, कामोरी या पटेरा वगैरह, देख लीजिए। ठीक है जी। हाँ भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सैफुल्ला। ये बताओ ये नस्ल कौन सी है? कामोरी अजरक प्रिंट में। और अच्छा कलर भी इसका क्या होता है? दो है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आप दांतों में ही कितना है, क्या कितने महीने का? बच्चा 8 महीने का। 8 महीने का। अच्छा आप ये बताओ कि इसके मांग क्या रहे हो? 35,000। 35,000 कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे भाई? फाइनल होगा 26,000। फाइनल 26,000 में? यार 26,000 भी ज़्यादा लग रहा है मुझे तो। खैर एनी वे,
अच्छा ये बता दो कि नंबर है आपका, आपका आपका कोई नंबर है बताइए। 0316 28 330 83 आखिरी में, आखिरी ये भी बोलना है आखिर में, ठीक है। अच्छा जी ठीक है, आपने व्यूअर्स नंबर सुन लिया होगा। सैफुल्ला नाम है ना आपका जी? सैफुल्ला इनका नाम है, ये औरंगी टाउन की मंडी में खड़े हैं। आपने इनका जानवर देखे, बस ऐसे ही रखना इसे, आपने इनका जानवर देख लिया, ये है इनका ये बकरा देख लीजिए, अभी 8 महीने का है, कामोरी नस्ल का, दो कलर में है, अजरक प्रिंट। अगर आपको ये पसंद हो तो आप सैफुल्ला से बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई किसी ने इसके क्या होता है 14,000 बोल दिए तो दोगे? क्यों क्यों नहीं दोगे? फाइनल 26,000। अबे यार 26,000 तो बेटा बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, मुझे लग रहा है तो लेने वाले को कितने ज़्यादा लगेंगे। चलें खैर आपकी चीज़ है, बहुत बहुत शुक्रिया सैफुल्ला, बहुत बहुत मेहरबानी।